हिंदुत्व पर सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब पर बीजेपी कांग्रेस से सवाल ही पूछ रही थी कि दूसरे दिन ही राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर अपना ज्ञान पेश कर दिया। राहुल का कहना है कि हिंदुवाद और हिंदुत्व अलग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की है और एक आरएसएस की है। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैला दी है और कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने, भाईचारे और प्यार की है। राहुल ने ये बातें कांग्रेस के डिजिटल कैंपेन के उद्घाटन कार्यक्रम में कही है। पहले आप राहुल का वो बयान सुनिए। Whether we like it or not, the divisive ideology, the hateful ideology of the RSS and the BJP has overshadowed the loving, affectionate and nationalistic ideology of the Congress Party. And this is the, we have to accept this. We can no longer not accept this. Our ideology is alive. It is vibrant, but it has been overshadowed. It has been overshadowed partly because of a complete capture of the media, of a complete capture of the Indian nation. But it has also been overshadowed because we have not propagated our ideology among our own people aggressively. हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क की बात कहे जाने के बाद विवाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा और गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर हमला किया है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि विदेशों से ज्ञान लेकर भारत को समझना कठिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि हिंदू धर्म का प्रहार गांधी परिवार का चरित्र है। हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है। जब राहुल का यह बयान आया था उस वक्त एक और कांग्रेस नेता राशिद अलवी के बयान पर हंगामा मचा था। राशिद अलवी का कहना है कि उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं लिया गया। सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए, वरना जिंदगी बचना मुश्किल है। तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगाई जाती, जाइए संजीवनी बूटी लेके आइए हिमालय पहाड़ से। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है, इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। हिंदुत्व को लेकर राजनीति का नया आयाम ऐसे समय में खड़ा हुआ है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं द्वारा हिंदुत्व पर सवाल करना कहीं चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट,
जीके 24 7 न्यूज़।